Pope takes a poop, and the president too, and the fancy pants banker in his three-piece suit, the big fat general and all of his troops. Hello everyone, welcome to the MCAM. How are you? I hope you all are must be studying very well. So in the previous lecture, we were talking about the Leuch reduction, okay, which is very important for exam point of view. In where we study, the Leuch reagent is gives only 1-2 reduction, okay? I mean, if we take an alpha beta unsaturated carbonyl compound, then Leuch reagent reduce only carbonyl compound, okay? I mean, 1-2 reduction. After that, we study their some selectivity. Okay, I mean, if a substrate have both aldehyde and ketone, okay, I mean alpha beta unsaturated aldehyde and alpha beta unsaturated ketone, agar dono present hai ek hi substrate mein, hai na, to wo kise pehle reduce karega, hai na? To ye sabhi concept hum logon ne previous lecture mein study kar liya hai. Now today we will discuss the stereoselective reduction of ketone, okay. Now let's get continue our lecture. If you want to see my previous video, then you may go to the playlist section of this channel, where I have organized all the particular topic for this particular lecture. Okay. So aaj hum log study karenge stereoselective reduction of ketone. Stereoselective reduction of ketone, है ना? ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा. इसमें हम लोग जितने भी जो हम लोग रूल अप्लाई करते हैं, क्रैम रूल हो गया, एंटी क्रैम रूल हो गया, है ना, फेल्किन एन मॉडल हो गया, या फिर कैम्पचेरेट रूल हो गया, डाईपोलर मेथड हो गया, ये सभी को हम लोग क्या करेंगे यहाँ स्टडी करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले देखिए, इससे पहले हम लोगों ने जितने भी रिड्यूसिंग रिएजेंट लिए उसमें कीटोन लिए, वो कीटोन क्या था, एक आयरल कीटोन था, है ना, मतलब उसमें क्या था, किसी भी तरह का कायरल सेंटर नहीं था. हम लोग इससे पहले जो भी जितने भी कीटोन लिए हैं, है ना, ये देखिए जैसे क्या हो गया, ये कीटोन हो गया. तो इसके अल्फा पोजिशन पर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट था, CH3 ग्रुप प्रेजेंट था ना. ये क्या है, यहाँ क्या है, नो कायरल सेंटर है, नो कायरल सेंटर, ठीक है. अब यहाँ पर जब कायरल सेंटर नहीं है तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी था, जो H माइनस आता था वो कहाँ से आता था, या कहाँ से आया, बिलो से अटैक करे, या फिर कहाँ से अटैक करे, अबव से अटैक करे, हम दो पॉसिबिलिटी था. और दोनों ही प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता था, रेसमिक मिक्सचर था, रेसमिक मिक्सचर मिलता था हमें. एंड अगर अबव से देखिए, अगर H माइनस कहाँ से आया, अबव से आया, तो ये अबव से H हो गया, और H कहाँ चला गया, बिलो में चला गया. प्लस अगर यही H माइनस कहाँ से आया, बिलो से आया, तो H कहाँ चला गया, अबव में चला गया. अब ये जो बनते थे, ये क्या बनते थे, 50-50% बनते थे, 50% ये, 50% ये, है ना, मतलब ये दोनों क्या थे, आपस में रेसमिक मिक्सचर थे. है ना, तो इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा था. लेकिन अब हम लोग क्या देखेंगे, इसका स्टीरियो सेलेक्टिव रिडक्शन देखेंगे, मतलब कीटोन की अल्फा पोजीशन पे क्या आ जाए, अब कायरल सेंटर प्रेजेंट हो जाए, है ना. ये क्या है, अगर ये कीटोन है तो ये क्या है, इसका अल्फा पोजीशन है. अब इस पर से पल्सर अल्फा पोजीशन पे तो नो कायरल सेंटर, कायरल सेंटर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, अबव से भी अटैक करा के प्रोडक्ट बना सकते हैं, बिलो से भी अटैक करा के प्रोडक्ट बना सकते हैं. लेकिन अब यहीं पर कायरल सेंटर आ जाए तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास हो सकता है, है ना, उस सबको क्या करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे. तो चलिए हम लोग एक एक करके कॉन्सेप्टों को समझते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले एल्डिहाइड का समझते हैं, है ना. जैसे मैं कोई अगर एल्डिहाइड ले लेता हूँ, ये क्या हो गया, आर हो गया, आर सी एच ओ, है ना, ये क्या हो गया, एल्डिहाइड, ठीक है. अब देखिए इसके क्या है,
दो फेसेस है ना, एक फेसेस कौन सा है? अगर मैं इसे वर्टिकल में लिखूं, है ना, ये क्या है, वर्टिकल है, अगर इसे मैं हॉरिजॉन्टल लिखूं, ये हो गया, है ना, ये क्या हो गया, ऑक्सीजन। अब देखिए इसके दो फेसेस है, एक फेसेस क्या होगा, ये क्या है, पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड है। अब ये क्या हो गया, अप फेस हो गया, या फिर अपर फेस बोल ले, और ये क्या हो गया, लोअर फेस हो गया, है ना। तो जो हम लोग न्यूक्लियोफाइल लेंगे, हाँ, जो हाइड्राइड डोनर रिएजेंट ले रहे थे, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही ले लेते हैं, LiAlH4, ये क्या देता था हमें, H माइनस जो है अटैक करता था, है ना। तो इस हाइड्राइड डोनर के पास क्या पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है, या ये क्या करे, अप फेस से अटैक कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है, डाउन फेस से अटैक कर सकता है। ये क्या हो गया, अप फेस हो गया, ये क्या क्या हो गया, डाउन फेस हो गया, या फिर इसी को आपको हम लोग क्या बोलते हैं, अबव बोलते हैं, या तो ये अबव से अटैक कर सकता है, या फिर डाउन को हम लोग क्या बोलते हैं, बिलो से बोलते हैं, या फिर क्या कर सकता है, बिलो से अटैक कर सकता है। तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो क्या हमें दोनों पॉसिबिलिटी में हमें क्या सेम प्रोडक्ट मिलेगा या फिर डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा, तो उसको पहले समझते हैं। देखिए है ना, अब इतना आप लोग समझ ही रहे होंगे कि कौन सा अप फेस होता है, कौन सा लोअर फेस होता है ना, कौन सा अबव द प्लेन होता है, कौन सा बिलो द प्लेन होता है। मैंने आप लोगों को साइक्लिक कंपाउंड में जो स्टीरियो केमिस्ट्री का था, जो अप्रोक्सीमेटली 50% कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया था, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर मैं ले रहा हूँ रिएजेंट, है ना, LiAlH4 ले लिया, है ना, ओके। अब यहाँ पर मान लीजिए हम लोग ये कहाँ, चलिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है, अबव से अटैक कर रहा है, अबव से, ओके। अब एक और पॉसिबिलिटी है कि यही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करे, बिलो से अटैक करे, है ना, ये क्या कर रहा है यहाँ पर, बिलो से अटैक कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास। अब देखिए दोनों पॉसिबिलिटी का हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। अब देखिए यहाँ से H माइनस कहाँ से करेगा, अबव से अटैक करेगा। तो जब H माइनस अबव से अटैक करेगा तो मैकेनिज्म तो सब मैंने आप लोगों को बता ही दिया है ना, तो मैकेनिज्म यहाँ पास बताने का तो ज़रूरत नहीं है। अब देखिए जब तक मार्कर का है ना, मार्कर पेन नहीं गिरता तब तक लेक्चर नहीं बनता। तो देखिए यहाँ पास क्या होगा, जो H माइनस से कहाँ से अटैक कर रहा है, अबव से अटैक कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को अबव में दिखा देंगे, है ना। जब हाइड्रोजन अबव में आएगा तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता था, कार्बोनिल का रिडक्शन करके क्या बनाता था, हमें हमारे पास एल्कोहल बनाता था, 1 डिग्री एल्कोहल। तो जो एल्कोहल होगा वो ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, ये बिलो में चला जाएगा। अरे भाई जब H अबव में आ गया है तो एक जो दूसरा ग्रुप रहेगा वो कहाँ चला जाएगा, बिलो में ही चला जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि यही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करे, बिलो से अटैक करे। अब जब ये बिलो से अटैक करेगा तो H माइनस जो है वो कहाँ चला जाएगा, बिलो पे चला जाएगा, हाँ ना, ये H कहाँ चला गया, बिलो चला गया। तो अब एल्कोहल ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, अबव में चला जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या मिल रहा है, हमें दो प्रोडक्ट मिल रहा है, A एंड B, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लोगों से पूछूँ कि A और B आपस में क्या है, दोनों आइडेंटिकल है, इनेंसियोमर है, डाइस्टीरियोमर है, होमोमर है, क्या है ये दोनों आपस में, है ना, ये आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए जो ए और बी में, देखिए ए और बी क्या है, रिएजेंट दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, ए एंड बी बोथ आर आइडेंटिकल, है ना। अब आइडेंटिकल मैं क्यों कह रहा हूँ, है ना, ये सब मैंने आप लोगों को साइक्लिक कंपाउंड में बताया था। देखिए अगर मैं क्या करूं, जो ए प्रोडक्ट बना है, ए प्रोडक्ट को मैं क्या करूं, अगर मैं रोटेट कर दूं, है ना, देखिए मैं क्या करूं, अगर ए प्रोडक्ट को क्या करूं, इस आर को, है ना, ये देखिए ये क्या है,
यहाँ पास क्या है OH बिलो में है और OH क्या है अबव में है। तो अगर मैं इसे रोटेट करूँ, देखिए जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, है ना, ये देखिए, ये जो ब्लू मार्कर पेन है ये कहाँ है, बिलो में है। ये ब्लू वाला क्या है, एल्कोहल है, और ये जो रेड वाला क्या है, अबव में है। ये क्या है, एच है ना, ये क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अब मैं इसे क्या करूँ, रोटेट करूँ, देखिए कैसे रोटेट करूँ, ये क्या, ये दोनों क्या है, इधर से ये दोनों, ये हाइड्रोजन और ये क्या है आर, ये दोनों क्या है प्लेन में है, है ना। अब ये दोनों जब प्लेन में है, देखिए ये क्या हो गया, ब्लैक वाला हाइड्रोजन हो गया और ये जो मेरा हैंड है ये क्या हो गया, एल्किल ग्रुप हो गया, ठीक है। अब मैं इसे रोटेट करूँ, कैसे रोटेट करूँ, मुझे ऐसे रोटेट करना है कि जो ये क्या है OH जो कहाँ है बिलो में है वो कहाँ चला जाए, अबव में आ जाए। तो देखिए मैं इसे क्या करता हूँ, रोटेट करता हूँ, ठीक है, ये हो गया रोटेट, है ना। अब देखिए ये क्या हो गया, जो OH था वो कहाँ चला, वो कहाँ आ गया, अबव में आ गया, है ना। तो कैसे होगा इसका, जब हम लोग रोटेशन करेंगे, ये क्या हो गया रोटेशन, ठीक है। अब रोटेट करने के बाद क्या हुआ, जो यहाँ पास क्या था OH था वो कहाँ चला गया, बिलो में था वो कहाँ चला गया, अबव में आ गया। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन था वो अबव में था वो कहाँ चला गया, बिलो में चला गया, ठीक है। और यहाँ पास क्या है R और H अपने पोजीशन में है, ठीक है। अब देखिए जो जब मैंने इसको रोटेट, इसको मैं रोटेट करने के बाद जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है वो प्रोडक्ट को देखिए, और क्या और किसको देखिए, ये इस प्रोडक्ट को देखिए, है ना, बी प्रोडक्ट को देखिए। जब मैंने ए को रोटेट कर दिया तो क्या हो गया, सेम जो प्रोडक्ट है वो किसकी तरह हो गया, बी की तरह हो गया, सेम है ना, सेम मतलब क्या हो गया, बी की तरह हो गया। अब दोनों जब प्रोडक्ट सेम है, ए और बी सेम ही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल बोलते हैं। अब मैं इस जो ये जो प्रोडक्ट बने इसको मैं उठा के इसके ऊपर रखूँ, है ना, इसके ऊपर लेके रख दूँ, तो देखें एक दूसरे को दोनों क्या करेंगे, सुपर इम्पोज कर लेंगे, है ना, मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे, सुपर इम्पोज हो जाएंगे, है ना, मतलब दोनों प्रोडक्ट क्या है, सेम ही है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, ए और बी क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है। तो इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि अगर हम लोग एल्डिहाइड लेते हैं तो यहाँ पर किसी भी तरह का स्टीरियो सेलेक्टिव नहीं है, या तो आप अबव से भी करा सकते हैं या फिर बिलो से भी करा सकते हो, हमें प्रोडक्ट जो है क्या है, दोनों सेम ही मिलेगा, है ना। अब यही बस मैं क्या ले लेता हूँ, कीटोन ले लेता हूँ, अब मैं क्या ले लेता हूँ, कीटोन ले लेता हूँ। अब कीटोन में भी सेम पॉसिबिलिटी है, है ना, कीटोन में भी क्या है, सेम पॉसिबिलिटी है। अगर मैं सोडियम बोरो हाइड्राइड लेता हूँ, NaBH4 लेता हूँ, तो यहाँ पर भी क्या है, दो पॉसिबिलिटी है, इसका जो फेसेस है क्या है, फेसेस आर इक्विवेलेंट है, है ना, फेसेस आर इक्विवेलेंट, मतलब फेसेस इक्विवेलेंट है, तो इससे क्या होगा, जो बैक साइड में है और फ्रंट साइड में है, दोनों तरह से क्या कर सकता है, ये जो रिएजेंट है वो आगे क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, है ना। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी वही है कि कहाँ से आई है, अबव से आए, अबव से आए। अब सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि ये कहाँ से आए, ये डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ, मतलब बिलो है ना, समझिएगा आप लोग, ओके, ये कहाँ से आए, बिलो से आए। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, दो प्रोडक्ट मिलेगा। फर्स्ट प्रोडक्ट हमें क्या होगा, ये आर हो गया, ये हाइड्रिस, ये दोनों डिफरेंट है ना। अब यहाँ पास अबव से जब एच आया है तो हाइड्रोजन को हम लोग अबव में कर देंगे और एल्कोहल कहाँ चला जाएगा, बिलो में चला जाएगा। और वैसे ही यहाँ पास देखिए, है ना, अब यहाँ पास क्या, बिलो से जो NaBH4 से H माइनस जो निकलेगा, हाइड्राइड आयन जो निकलेगा, वो कहाँ से कर रहा है, बिलो से अटैक कर रहा है। तो हाइड्रोजन को हम लोग बिलो में कर देंगे और OH को कहाँ कर देंगे, अबव में कर देंगे। ये R और ये R डैश प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पास भी देखिए, अब यहाँ पास हमारे पास क्या मिल रहा है, देखिए ये हमें दो प्रोडक्ट मिल रहा है, ए और बी, है ना।
अब मैं आप लोगों से पूछूं ए और बी में क्या रिलेशन है, है ना? तो ए और बी जो है वो क्या है, ए एंड बी आर रेसिमिक मिक्सचर है, रेसिमिक मिक्सचर ऑफ इनेंसियोमर, है ना? अब इसको भी, इसके पहले जैसे मैंने रोटेट किया, इसको भी आप लोग क्या कर सकते हो, रोटेट करके आप लोग देख सकते हो कि हमें जो है सेम प्रोडक्ट मिलेगा, ये दोनों आपस में आइडेंटिकल होंगे कि नहीं होंगे। देखिए अगर मैं ए को रोटेट करूँगा तो देखिए यहाँ बस क्या है, आर डेस है ना। जब मैं ए को रोटेट करूँगा तो जो OH है वो तो OH तो ठीक है, OH अबव में आ जाएगा, हाइड्रोजन बिलो में आ जाएगा, लेकिन ये आर डेस की जगह पे ये क्या आ जाएगा, ये जो एल्किल ग्रुप है वो आ जाएगा जब मैं रोटेट करूँगा तो, है ना? तो इसीलिए क्या है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, सुपर इम्पोज नहीं कर पाएंगे, मतलब क्या होंगे, ये आइडेंटिकल नहीं होंगे। तो ये क्या बनेंगे, मिक्सचर ऑफ इनेंसियोमर बनेंगे, ठीक है। 50% ये बनेगा और 50% ये बनेगा, क्योंकि फेसेस क्या है, फेसेस क्या है, इक्विवेलेंट है। आप अबव से भी करा दो या फिर बिलो से भी करा दो, है ना, उसने आप लोगों का किसी भी तरह का इसमें इफेक्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब यही बस मैं क्या करूं, अब यहां पर हम लोग क्या ले लें, कायरल साइक्लिक कीटोन ले लें, कायरल कीटोन ले लें, है ना, जिसमें क्या हो अल्फा पोजीशन पे, कीटोन विथ अल्फा पोजीशन पे क्या हो, कायरल सेंटर प्रेजेंट हो, है ना। देखिए क्या मैं बोल रहा हूँ उसे समझिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को ध्यान से समझना है, ठीक है। ये हो गया कीटोन, यहाँ पर आर, अब यहाँ पर क्या हो, कायरल सेंटर हो, है ना, यहाँ पर क्या हो, कायरल सेंटर हो जाए। अब कायरल सेंटर के लिए क्या चाहिए, या तो 4 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, या फिर जो इसको हम लोग डिवाइड करें तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड ना हो, है ना। तो देखिए यहाँ पर कार्बन हो गया, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं हाइड्रोजन ले लेते हैं, यहाँ पर CH3 ले लेते हैं, और यहाँ पर AT ले लेते हैं, है ना। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, हमारे पास कायरल सेंटर हो गया, है ना। कीटोन विथ अल्फा कायरल सेंटर, ठीक है। तो मैं कैसे बोल रहा था, अल्फा कायरल सेंटर कौन से कंडीशन में बोल रहा था इसको आप लोग समझ गए। ये क्या है, कीटोन है, तो इसके अल्फा पोजीशन पे क्या हो, कोई कायरल सेंटर प्रेजेंट हो। देखिए इससे पहले मैंने जितने भी आप लोगों को एल्डिहाइड और कीटोन पर पढ़ाया है ना, जितने भी हम लोगों ने एग्जांपल स्टडी किए हैं, आप लोग जाके देख सकते हो, वहाँ अल्फा पोजीशन पे कहीं पास भी कायरल सेंटर नहीं था, है ना। इसीलिए मैं उस समय आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर सब लोगों को कॉन्सेप्ट को बता देता तो आप लोगों का जो है क्वेश्चन जो है क्या होता, मिक्स हो जाता। इसीलिए इसको अलग से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना, जो साइक्लिक जो ये कीटोन है उसका अलग से जो है इसको मैं इसीलिए बता रहा हूँ। तो देखिए अब इसमें समझते हैं, है ना। अब यहाँ पास कायरल सेंटर आ गया तो यहाँ पास फेसेस जो है वो क्या हो गए, फेसेस आर नॉन इक्विवेलेंट हो गए, है ना। देखिए जब फेसेस इक्विवेलेंट थे तो हमारे पास क्या था, या तो हम अबव से भी करा सकते हैं, बिलो से भी करा सकते हैं, है ना। हमें क्या मिल रहा था, प्रोडक्ट जो क्या मिल रहा था, वो सेम प्रोडक्ट मिल रहा था। लेकिन अब यहाँ पास क्या हो गया, फेसेस क्या हो गया, नॉन इक्विवेलेंट हो गया, मतलब हम अबव से अगर अटैक करवाएंगे तो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा, बिलो से अटैक कराएंगे तो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। तो उसे हम लोग समझते हैं कि कैसे डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा, और इसके लिए हम लोग कौन कौन सा रूल अप्लाई करेंगे। ओके, तो देखिए इसे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ बस ले लेते हैं कायरल सेंटर, हाइड्रोजन CH3 मिथाइल और इथाइल, है ना, ये हमारा कीटोन है।
इसी का ही हम लोगों को क्या करना है, स्टीरियो सेलेक्टिव रिडक्शन करना है। अब मैं क्या ले लेता हूँ, रिएजेंट ले लेता हूँ, है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कोई भी आप लोग हाइड्राइड डोनर रिएजेंट ले सकते हो, है ना, रेड एल्यूमिनियम भी ले सकते हो, रेड एल जिसको बोलते हैं, है ना, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को सभी बता दिया है। तो देखिए अब यहाँ पास क्या है, हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी आ गया है ना। कैसे तीन पॉसिबिलिटी आ गया, यहाँ से जो है जो एच माइनस निकलेगा वो देखिए कैसे तीन पॉसिबिलिटी आ गया। मैं कैसे बोल रहा हूँ, किस बेस से बोल रहा हूँ कि तीन पॉसिबिलिटी आ गया उसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए प्लेन में क्या है, मिथाइल ग्रुप है, हवा में क्या है हाइड्रोजन, और बिलो में क्या है इथाइल ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए ये क्या हो गया, ये हाइड्रोजन कहाँ है, बिलो है, बिलो द प्लेन है, ठीक है। ये जो इथाइल ग्रुप है ये क्या है, अबव द प्लेन है, हाँ ना, ये कहाँ है, अबव द प्लेन में प्रेजेंट है। और ये जो मिथाइल ग्रुप है ये क्या है, ऑन द प्लेन है। ऑन द प्लेन मतलब जैसे हम लोग प्लेन लगा रहे हैं तो ये क्या है, प्लेन की डायरेक्शन में है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, हमारा एक कायरल सेंटर हो गया, ये क्या हो गया, हमारा कायरल सेंटर हो गया, है ना, ये क्या है, कायरल सेंटर हो गया। अब जब मैं यहाँ पास अगर तो यहाँ पास क्या है, तीन पॉसिबिलिटी है, जो यहाँ से जो H माइनस आएगा हाइड्राइड आयन का, उसके पास तीन पॉसिबिलिटी है यहाँ पास अटैक करने का ना, ये क्या है, अटैकिंग सेंटर है, तीन पॉसिबिलिटी है। कौन कौन से तीन पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि ये कहाँ से करे, अबव से अटैक करे, हाँ। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है, ये कहाँ से करे, बिलो से अटैक करे, और थर्ड पॉसिबिलिटी ये है, ये कहाँ करे, ऑन द प्लेन से अटैक करे, हाँ ना। तीन तरह के पॉसिबिलिटी हो गया हमारे पास, क्योंकि देखिए यहाँ पास फेसेस जो थे वो क्या थे, जब इससे पहले हम लोगों ने स्टडी किया है ना, इसमें क्या थे फेसेस जो थे, या तो आप अबव से भी करा लो या फिर बिलो से भी करा लो, हमें क्या मिल रहा था, सेमी प्रोडक्ट मिल रहा था। लेकिन अब यहाँ पर देखिए डिफरेंट ग्रुप के आ जाने की वजह से हमें प्रोडक्ट जो क्या हुआ है, डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा हमें, है ना। इस जो कायरल सेंटर के आ जाने की वजह से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। तो देखिए कौन कौन से प्रोडक्ट मिल सकता है हमें, उसे सबसे पहले समझते हैं। हाँ, तो फर्स्ट सबसे पहले हम लोग कहाँ से करते हैं, अबव से अगर अटैक कराए तो इसे अबव से अटैक कराए तो हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट, देखिए इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मिथाइल स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब दिखा देता हूँ, है ना। खैर ये तो आप लोगों का खुद का अंडरस्टूड होना चाहिए, लेकिन जब हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री मेंशन रहेगा, तभी आप लोग क्या करोगे, आइडेंटिफाई करते बनेगा। यहाँ पास ई टी है और यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अगर जब अबव से अटैक कर रहा है एच माइनस, तो देखिए हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, अबव से अटैक करेगा तो एच माइनस को कहाँ करो, अबव कर दो, तो एच को कहाँ कर दो, बिलो कर दो, यहाँ पास आर। अब ये जो एम ई है वो क्या रहेगा, अपने पोजीशन पे ही रहेगा, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये हो गया। अब सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, कहाँ से करें, बिलो से करें, है ना। जब बिलो से करेगा तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, देखिए
बिलो में हाइड्रोजन आ जाएगा, अबव में एल्कोहल चला जाएगा। यहाँ बस क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप हो गया। ठीक है, अब देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये दोनों आपस में डिफरेंट प्रोडक्ट क्यों बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। देखिए अगर आप लोगों को सभी को आर एस नोबल कैचर तो आता ही होगा, नहीं आता होगा तो चले यहाँ पास आप लोगों को मैं बता देता हूँ। अब हमारे पास दो कायरल सेंटर जनरेट हो गए, यहाँ पास भी कायरल सेंटर हो गया, यहाँ पास भी कायरल सेंटर, हाँ ना, यहाँ पास भी कायरल सेंटर, यहाँ पास भी कायरल सेंटर। ठीक है, जब हम लोगों ने इससे पहले स्टडी किया था तो वहाँ पास क्या था, सिर्फ एक जगह पर कायरल सेंटर जनरेट हो रहा था, लेकिन यहाँ पास क्या हो गया, दो जगह पर कायरल सेंटर जनरेट हो गया, है ना। अब मैं अगर आर एस नॉर्मल क्लेचर करूँ तो देखिए इसका सबसे पहले करते हैं, है ना। आर एस नॉर्मल क्लेचर में क्या देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को मैंने आप लोगों को साइक्लिक कंपाउंड में भी बताया था ना, तो आप लोग वहाँ पर जाके पहले देख लीजिए अगर आप लोगों को आर एस नॉर्मल क्लेचर को नहीं आता तो, है ना। तो जो हाइएस्ट पीरियडिटी रेट रहता है उसको हम लोग क्या देते हैं, नंबरिंग करते हैं। हाइएस्ट जो जिसका हायर एटॉमिक नंबर होता है, जिस एटम का हायर एटॉमिक नंबर होता है उसको हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, और जिसका सबसे लोअर एटॉमिक नंबर होता है उसको हम लोग क्या देते हैं, लास्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर आर एस नॉर्मल क्लेचर करूँ तो देखिए ये इथाइल हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये मिथाइल हो गया, है ना। और इस देखिए यहाँ पर से हम लोग ये देखेंगे, यहाँ पर मिथाइल, ये मिथाइल है मतलब कार्बन के साथ क्या है, तीन हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, और ये इथाइल है मतलब कार्बन के साथ क्या है, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है। अब इस कार्बन के साथ देखिए ऑक्सीजन अटैच है, एक कार्बन अटैच है और एक हाइड्रोजन अटैच है, तो मतलब हाइएस्ट प्रायोरिटी कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, तो इसको नंबरिंग इसको हम लोग फर्स्ट दे देंगे। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। अब उसके बाद इस तीनों में देखिए इथाइल ये है तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड, उसके बाद ये थर्ड, ये क्या हो गया, फोर्थ हो गया। ठीक, अब मूवमेंट देखिए, मूवमेंट हम लोगों को रोटेशन देखना है, वन टू थ्री, देखिए वन टू थ्री, है ना। अब मूवमेंट क्या है, ये क्या है, क्लॉकवाइज हो रहा है ना, ये क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन है। अब क्लॉकवाइज हो रहा है मूवमेंट, और फोर्थ प्रायोरिटी देख रहा है, फोर्थ प्रायोरिटी अगर बिलो है तो क्लॉकवाइज से हमें क्या मिलेगा, आर आइसोमर मिलेगा, और एंटी क्लॉकवाइज से हमें क्या मिलेगा, एस आइसोमर मिलेगा, है ना। ये क्या हो गया, तो ये देखिए ये क्या है, मूवमेंट क्या है, क्लॉकवाइज है, और फोर्थ पीरियडिटी कहाँ है, बिलो द प्लेन है। अब फोर्थ पीरियडिटी बिलो द प्लेन है और क्लॉकवाइज है, तो ये क्या हो गया, ये आर है। अब ये आर है तो क्या होगा, ये भी तो आर ही होगा, दोनों तो सेम ही है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका तो मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री सेम है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है इसके स्टीरियो केमिस्ट्री में। अब हम लोग बात करते हैं इसका स्टीरियो केमिस्ट्री का, ठीक है, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे, है ना। अब हम लोग बात करते हैं इस पोजीशन का स्टीरियो केमिस्ट्री का, है ना, इतना जान गए ये आर है। अब इसका अगर हम लोग इसका भी हम लोग क्या करेंगे, अगर आर एस नॉर्मल क्लेचर करेंगे तो देखिए ऑक्सीजन हाईएस्ट प्रायोरिटी में है, फर्स्ट इसको दे दीजिए, सेकेंड इसको दे दीजिए, है ना, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी में है, फिर थर्ड ये और फोर्थ ये, ठीक है। अब मूवमेंट देखिए, वन टू थ्री से मूवमेंट देखिए, वन टू थ्री, अब मूवमेंट कहाँ जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब एंटी क्लॉकवाइज है ना, जल्दी जल्दी में स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है तो उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, और फोर्थ पीरियडिटी कहाँ है, बिलो द प्लेन है, तो एंटी क्लॉकवाइज में हमें क्या मिलता है, ये एस मिलेगा, तो ये जो सेंटर है क्या है, एस है। अब वैसे ही कहाँ के क्या कीजिए, यहाँ पास भी नंबरिंग कीजिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, मूवमेंट देखिए, वन टू थ्री, वन टू थ्री, है ना, ये क्या है, आप देखिए इसका मूवमेंट, देखिए इसका मूवमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन अब फोर्थ प्रायोरिटी देखिए, फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ आ गया, अबाउ द प्लेन आ गया। अब फोर्थ प्रायोरिटी अबाउ द प्लेन आ गया तो इसके जस्ट अपोजिट कर दीजिए, जब बिलो में क्या हो रहा था, क्लॉकवाइज में आर हो रहा था, तो अबव में क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज में एस हो जाएगा। जब बिलो में एंटी क्लॉकवाइज में एस हो रहा था तो अबव में एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ बस देखिए फोर्थ प्रायोरिटी अबव द प्लेन है और एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। मतलब एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ बस जो इसका आर एस नॉर्मल क्लेचर है, एक हमें क्या मिल रहा है, एक प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है,
आर मिल रहा है और दूसरा प्रोडक्ट में हमें क्या मिल रहा है, एस मिल रहा है ना। तो प्रोडक्ट तो हमें डिफरेंट मिल रहा है, सेम प्रोडक्ट तो नहीं मिल रहा है ना। तो इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे, जो प्रोडक्ट मिल रहा है हमें क्या मिल रहा है, डिफरेंट मिल रहा है ना। आर और एस आइसोमर, हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो इस ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहा है ये किस वजह से मिल रहा है ना, किस वजह से मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पास एसिमेट्रिक सेंटर है ना, या फिर कायरल सेंटर, कीटोन के अल्फा पोजीशन पर कायरल सेंटर आ जाने की वजह से हमें क्या मिल रहा है, डिफरेंट तरह के हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ठीक है। अब जब डिफरेंट तरह के हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं है ना, तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास क्या है, ये जो फोर डिफरेंट ग्रुप है इसमें क्या क्या है, देखिए मिथाइल क्या है, मिथाइल है, इथाइल है और क्या है, हाइड्रोजन है। तो अगर मैं इसमें आप लोगों को आइडेंटिफाई करने करूँ कौन सा मीडियम ग्रुप है, कौन सा लार्ज ग्रुप है और कौन सा स्मॉल ग्रुप है, तो ये क्या है, स्मॉल है ना, ये क्या है, लार्ज है, और ये क्या है, मीडियम ग्रुप है, ठीक है। इतना तो आइडेंटिफाई कर लीजिएगा आप लोग है ना, कौन सा ग्रुप लार्ज है, कौन सा ग्रुप मीडियम है, है ना। तो यहीं पर क्या किया, डिफरेंट जो है मॉडल है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या दिया, अपना मॉडल दिया। जैसे क्रैम रूल हो गया है ना, फेल्किन एन मॉडल हो गया, क्रैम चिलेट मॉडल हो गया, फिर एंटी क्रैम रूल हो गया, ये सभी तरह के क्या दिए, मॉडल को क्या किया इन लोगों ने, अप्लाई किया, बताया कि हम लोग किस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट जो है बना सकते हैं, है ना। कब हमें अबव से अटैक करवाना है, कब हमें कौन से कंडीशन में हमें बिलो से अटैक करवाना है, है ना। देखिए यहाँ पास क्या है, स्मॉल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पास क्या है, मीडियम ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पास क्या है, लार्ज ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। ये तीन तरह की पॉसिबिलिटी है, तीन तरह का हमारे पास ग्रुप प्रेजेंट है ना। अब हम लोग चलिए इसको समझते हैं कि कीटोन में हम लोग किस तरह से इसे अप्लाई करेंगे, है ना। जो क्रैम रूल हो गया, एंटी क्रैम रूल हो गया, फिर फेल्किन एन मॉडल हो गया, इन सभी को हम लोग किस तरह से अप्लाई करेंगे उसे सबसे पहले हम लोग समझते हैं, है ना। कुछ नहीं है, बहुत ईजी है ना। मैं सबसे पहले आप लोग डिटेल में इसको स्टडी कीजिए, स्टडी मैं आप लोगों को करवा देता हूँ डिटेल में, उसके बाद मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊँगा, है ना। उस ट्रिक के थ्रू आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कब हमें क्रैम रूल लगाना है, कब हमें फेल्किन एन मॉडल लगाना है, या फिर कब हमें डाइपोलर मॉडल लगाना है, या फिर कब हमें क्रैम चिरेट रूल लगाना है ना। वो सब आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग सबस्ट्रेट को देखते हैं कि सबस्ट्रेट क्या होगा, ठीक है। हमें कीटोन हो गया तो पता चल गया कि हमें क्या होगा, सबस्ट्रेट जो क्या होगा वो कीटोन होगा। लेकिन कीटोन भी तो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, साइक्लिक कीटोन हो सकते हैं, एसाइक्लिक कीटोन हो सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले सबस्ट्रेट में, सबस्ट्रेट तो हमारा इतना सबस्ट्रेट हमें पता चल गया कौन सा होगा, सबस्ट्रेट जो होगा वो होगा कीटोन होगा विथ अल्फा कायरल सेंटर, ठीक है, ये होगा। अब इसमें भी दो पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट या क्या हो, साइक्लिक कीटोन हो, और सेकेंड क्या हो, ए साइक्लिक कीटोन हो, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी है ना। कीटोन भी दो तरह के होते हैं ना, साइक्लिक कंपाउंड में आप लोगों को मैं इससे अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, बताया था, है ना। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट को हम लोग स्टडी करते हैं साइक्लिक कीटोन है ना। अब साइक्लिक कीटोन में कौन कौन सा आएगा, फर्स्ट में तो आ जाएगा मोनोसाइक्लिक, ठीक है। सेकेंड में क्या आ जाएगा, फ्यूज्ड एंड ब्रिज्ड बाईसाइक्लिक कीटोन,
है ना, मोनोसाइक्लिक कीटोन हो गया या फिर फ्यूज्ड एंड ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कीटोन हो गया। इस कॉन्सेप्ट को मैंने आप लोगों को अच्छे से डिटेल में साइक्लिक कंपाउंड में स्टडी करा दिया है, तो आप लोग वहां जाके इसको देख सकते हैं। यहां सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, है ना, डिटेल में आप लोगों को नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो मोनोसाइक्लिक कीटोन में देखिए, मोनोसाइक्लिक कीटोन में आप लोग क्या क्या ले सकते हो, साइक्लोहेक्सोनोन ले लो, साइक्लोपेंटेनोन ले लो, हाँ, या फिर साइक्लो ब्यूटेनोन ले लो, है ना, ये सब हम लोग ले सकते हैं साइक्लिक कीटोन में, ठीक है। अब जैसे मैं अगर ले लूँ एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, ये क्या हो गया, साइक्लो हेक्सेनोन हो गया, ये क्या है, मोनोसाइक्लिक, जिसमें क्या हो, एक ही साइक्लिक रिंग हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसाइक्लिक, है ना। और बाईसाइक्लिक में क्या होता है, दो, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूज्ड और ब्रिज्ड बाईसाइक्लिक कीटोन बोलते हैं, है यार, स्पेलिंग आप लोग देख लिया करो, है ना, स्पेलिंग जरूरी नहीं है, है ना। अब इसका हमें क्या कराना है, रिडक्शन कराना है, ठीक है, इसका हमें क्या कराना है, रिडक्शन कराना है, LiAlH4 लेकर हमें क्या कराना है, रिडक्शन कराना है। तो ऐसी रिडक्शन करा देंगे क्या, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग इसका क्या करेंगे, 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, है ना। अगर आप लोगों में से जिसने भी साइक्लिक कंपाउंड का लेक्चर देखा होगा वो इजीली इसको बना सकता है ना। तो सबसे पहले क्या करो, इसका 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। अब 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ये क्या हो गया, इसका 3D स्ट्रक्चर हो गया, है ना। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, जो ये H- यहाँ से निकलेगा, हमें H- मिलेगा, वो क्या करे, एक्सियल अटैक करे, या फिर एक्सियल अटैक कर सकता है, या फिर इक्वेटोरियल अटैक कर सकता है, है ना। तो दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास। अब कौन से कंडीशन में एक्सियल अटैक करेगा या फिर इक्वेटोरियल अटैक करेगा, इसको हम लोग समझते हैं, है ना। ये सबको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं कि ये कब एक्सियल अटैक करेगा, कब इक्वेटोरियल अटैक करेगा, है ना। और इसको और अच्छे से डिटेल में आप लोगों को स्टडी करना है तो साइक्लिक कंपाउंड का लेक्चर आप लोग देख लीजिए। है ना, तो चलिए इसको समझते हैं, है ना, साइक्लो हेक्सेनोन, सीधा मैं 3D स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर रहा हूँ ना, अब 2D तो आप लोगों को पता ही है कौन सा होगा। अब यहाँ पास मैं क्या ले लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर अभी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं ले रहा हूँ, कोई भी H- ले लेता हूँ, है ना, मतलब कोई भी हाइड्राइड डोनर रिएजेंट प्रेजेंट है यहाँ पास, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, ये क्या करे, एक्सियल अटैक करे, है ना। तो एक्सियल अटैक करेगा तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, है ना, तो हाइड्रोजन तो एक्सियल पोजीशन पे आ जाएगा, और ये जो OH है वो कहाँ चला जाएगा, इक्विटोरियल पोजीशन पे चला जाएगा, ओके। ये क्या है, एक्सियल, ये क्या है, इक्विटोरियल। साइक्लिक कंपाउंड के लेक्चर में मैंने एक्सियल इक्विटोरियल भी आप लोगों को बताया था। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि ये H- कहाँ करे, इक्विटोरियल अटैक करे, तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, OH कहाँ चला जाएगा, एक्सियल, और हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, इक्विटोरियल में चला जाएगा, एक्सियल
क्या हो गया, इक्वेटोरियल हो गया। ठीक है, तो इतना तो समझ गए हमें क्या मिलेगा, दो प्रोडक्ट मिलेगा है ना, ए और बी है ना। अगर हम लोग साइक्लोहेक्सेनोन ले रहे हैं और कोई भी हाइड्राइड डोनर रिएजेंट प्रेजेंट है तो हमें क्या मिल रहा है, दो प्रोडक्ट मिलेगा। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है एक्जियल अटैक करेगा तो अब हमें यह प्रोडक्ट मिलेगा, और सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि इक्वेटोरियल अटैक करेगा तो हमें यह प्रोडक्ट मिलेगा है ना। अब आप लोगों को ये, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो है प्रोडक्ट स्टेबल होगा, एक्जियल वाला स्टेबल होगा कि इक्वेटोरियल वाला स्टेबल होगा। तो उसे चलिए आप हम लोग समझते हैं। है ना, हमें क्या मिल रहा है, दो प्रोडक्ट मिल रहा है। है ना, तो कौन सा कैसा रिएजेंट होना चाहिए यहां पर जो हमें प्रोडक्ट दे, ए और बी। कौन सा रिएजेंट रहेगा तो हमें ए प्रोडक्ट मिलेगा, कौन सा रिएजेंट रहेगा तो हमें बी प्रोडक्ट मिलेगा है ना। अब इसे समझते हैं, देखिए अब साइक्लोहेक्सेनोन में तो सभी लोग जानते हैं इसमें क्या होता है, 1,3 ड्राई एक्सियल इंटरेक्शन जो है वो प्रेजेंट होता है ना, 1,3 ड्राई एक्सियल इंटरेक्शन। है ना, साइक्लोहेक्सेनोन में क्या होता है, 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन होता है। अब देखिए यहाँ से जो H निगेटिव आयन आएगा है ना, वो अगर एक्सियल से आएगा, देखिए कहाँ से आ रहा है, एक्सियल से आ रहा है ठीक है, तो एक्सियल से आएगा तो ये क्या करेगा, 1,3 जो है क्या करेगा, यहाँ पास क्या होगा, इस हाइड्रोजन 1,2,3 इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के साथ क्या क्या होगा, यहाँ पास 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन होगा है ना। और इस 1,3 डाई एक्सियल के इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, इस दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा है ना। अब ये 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन क्या है ये सभी मैंने आप लोगों को साइक्लिक कंपाउंड में बता दिया है ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा, ये जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा है ना। अब अनस्टेबल होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अनस्टेबल होगा तो हम लोग ऐसा प्रोडक्ट तो चाहते ही नहीं है भाई। हम लोग कोई भी रिएक्शन करते हैं तो ये आप लोग ध्यान में रखा करो कि हमें उस रिएक्शन से हमेशा क्या मिले, स्टेबल प्रोडक्ट मिले है ना। जिस मेथड से हमें स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा उसी मेथड को हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो इतने तो समझ गया कि एक्सियल इंटरेक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये मतलब अगर कोई हाइड्राइड डोनर रिएजेंट है तो क्या करेगा, एक्सियल से अटैक नहीं करेगा है ना। मतलब वो क्या करेगा, कौन सा प्रीफर करेगा वो, फिर जब एक्सियल अटैक से हमें क्या मिल रहा है, अनस्टेबल प्रोडक्ट मिल रहा है ना। लेकिन यही पास मैं क्या करूँ, अगर इक्वेटोरियल अटैक कराता हूँ है ना, यहीं पास क्या करें, ये H निगेटिव क्या करे, इक्वेटोरियल अटैक करा रहे हैं है ना। अगर यहाँ पास H निगेटिव क्या करेगा, इक्वेटोरियल अटैक करेगा तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा है ना, तो यहाँ क्या होगा, 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन है ना। 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन मतलब यहाँ पास अब 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, जब H माइनस कहाँ से अटैक कर रहा है, इक्वेटोरियल पोजीशन से अटैक कर रहा है, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, वो प्रोडक्ट क्या होगा, वो स्टेबल होगा है ना। क्या होगा, स्टेबल प्रोडक्ट मिल गया। अब हमें और क्या चाहिए, हमें स्टेबल प्रोडक्ट ही तो चाहिए है ना। मतलब अब ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए कि ऐसा जो हाइड्राइड डोनर रिएजेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अगर स्मॉल है, अगर हाइड्राइड डोनर रिएजेंट स्मॉल है तो क्या करेगा, वो
एक्जियल अटैक प्रीफर करेगा। लेकिन अगर हाइड्राइड डोनर रिएजेंट बिग है, है ना, बिगर है, साइज में क्या है, बड़ा है, बल्कि है, तो क्या करेगा, हमेशा इक्वेटोरियल अटैक प्रीफर करेगा। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा। ये हमें क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना, हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो मैं कुछ नोट लिखवा रहा हूँ, उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, सिर्फ उसी बस को आप लोग ध्यान में रखिएगा, उसने से आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ, तो नोट इसे क्या कीजिए, आप लोग ध्यान से ध्यान में रखना इसे, है ना। स्मॉल हाइड्राइड डोनर रिएजेंट लाइक, है ना, इस तरह के रिएजेंट, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, है ना, या फिर NaBH4 हो गया, जो क्या हो, साइज में ज़्यादा बड़ा ना हो, है ना, प्रीफर एक्सियल अटैक, है ना। मतलब अगर रिएजेंट क्या है, स्मॉल है, है ना, तो क्या करेगा, एक्सियल अटैक प्रीफर करेगा, है ना। और सेकेंड ये है कि लार्ज या फिर बल्की, लार्ज और बल्की, हाइड्राइड डोनर रिएजेंट लाइक। अब बल्की रिएजेंट कौन कौन सा हो सकता है, मैंने आप लोगों को जब सोडियम बोरोहाइड्राइड का, हाँ ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड जब हम लोग स्टडी किए थे तो मैं बताया था कौन कौन से हो सकते हैं, एल्स इलेक्ट्राइड हो सकता है, बल्की रिएजेंट ना, एल्स इलेक्ट्राइड, केस इलेक्ट्राइड, है ना, एन्स इलेक्ट्राइड, है ना, ये सब क्या है, बल्की रिएजेंट है, या फिर LIAL और TBU इसके साथ प्रेजेंट रहे हो, या फिर क्या हो, LIAL OME हो, ये भी तो बल्की ग्रुप है, है ना, या क्या हो, LIAL रेड AL हो, रेड एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना, सोडियम 20 आइसोप्रोपाइल, है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो इस सभी तरह के जो बल्की रिएजेंट होंगे वो क्या करेंगे, प्रीफर इक्विटोरियल अटैक, है ना, वो सब क्या करेंगे, इक्विटोरियल अटैक प्रीफर करेंगे। ठीक है, तो इतना समझ गया आप लोग, है ना, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब एक्जियल अटैक क्यों, ये स्मॉल, देखिए अगर स्मॉल हाइड्राइड डोनर रिएजेंट रहेगा तो क्या करेगा, 1,3 डाई एक्जियल इंटरेक्शन उसके साथ क्या होगा, नहीं होगा, 1,3 डाई एक्जियल इंटरेक्शन इसके साथ क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन वहीं पास अगर लार्ज हाइड्राइड डोनर रिएजेंट रहेगा तो वो क्या करेगा, वो तो 1,3 डाई एक्जियल इंटरेक्शन ज़्यादा शो करेगा ना, है ना, वो क्या करेगा, 1,3 डाई एक्जियल इंटरेक्शन ज़्यादा शो करेगा, है ना, तब क्या होगा, यहाँ पास ज़्यादा 1,3 डाई एक्जियल इंटरेक्शन होगा, तो हमें क्या होगा, ज़्यादा अनस्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा, और हमें अनस्टेबल प्रोडक्ट नहीं चाहिए। अरे आप सिंपल एग्जांपल से समझिए, अगर कोई आपको जैसे छोटे पत्थर से मार रहा है, और एक बंदा आपको छोटे पत्थर से मार रहा है और एक बंदा आपको बड़े पत्थर से मार रहा है, तो आप ही लोग बताइए किस में आपको ज़्यादा चोट किस में आएगा, छोटे पत्थर से आएगा या फिर बड़े पत्थर से आएगा, है ना, तो ज़्यादा चोट किस में आएगा, आपको बड़े पत्थर से हमें ज़्यादा चोट लगेगा, है ना। तो सेम उसी तरह यहाँ भी समझिए, अगर छोटा हाइड्राइड डोनर रिएजेंट होगा तो यहाँ पास 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन
कम होगा। लेकिन वहीं अगर बड़ा हाइड्रेट डोनर रिएजेंट रहेगा तो यहाँ पास क्या होगा, 1,3-dihydroxyl इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो इसीलिए बड़ा जो है, जो लार्ज या फिर बल्कि हाइड्राइड डोनर रिएजेंट है, वो क्या करेगा, इक्विटोरियल अटैक प्रीफर करेगा, और स्मॉल हाइड्रोजन हाइड्राइड डोनर रिएजेंट होगा वो क्या करेगा, एक्सियल अटैक प्रीफर करेगा। ठीक है, तो इसे आप लोग समझ ही गए होंगे। बाकी अगर नहीं समझे होंगे तो टेंशन मत लीजिए, अगर इसके आगे हम लोग पूरा सब एग्जाम्पल स्टडी करेंगे उसमें और आप लोगों का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब साइक्लोहेक्सेन की जगह पे यही बस क्या ले लो आप लोग, साइक्लोपेंटेनोन भी ले लो। बता ही देता हूँ, फिर बोलोगे सर आधा अधूरा बताते हैं ना, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया यार साइक्लिक कंपाउंड में, आप लोग वहाँ जाके देख लीजिए, है ना। फिर यार कि यहाँ पर डबल उसी चीज़ को पढ़ा रहा हूँ तो कुछ मतलब का नहीं है, है ना। कुछ नया कॉन्सेप्ट रहता तो मैं बताता, लेकिन ये सब मैंने आप लोगों को साइक्लिक कंपाउंड में बता दिया है, है ना। तो आप लोग जाके वहाँ क्या कीजिए इसको देख लीजिए, ठीक है। अब मोनोसाइक्लिक तो हो गया, अब क्या करते हैं हम लोग, सेकंड लेते हैं ब्रिज फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक, फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक, है ना। अब फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक कौन सा होगा, ये क्या है, सीस फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक है, सीस फ्यूज्ड, है ना, मतलब दो साइकिल प्रेजेंट होगा ना। ये क्या है, ट्रांसफ्यूज है, ट्रांसफ्यूजन जिसको बोलते हैं, है ना। एक सीस फ्यूजन हो गया, अरे क्या हो गया, ट्रांसफ्यूजन हो गया। अब वहाँ मैंने आप लोगों को बताया था कितने कितने मेंबर के रिंग है जो फ्यूज्ड सिस्टम में बन सकते हैं, कौन से जो है सीस पोजीशन में स्टेबल रहेंगे और कौन से जो है वो ट्रांसफ्यूज्ड में स्टेबल रहेंगे, इसे आप लोगों को मैंने वहाँ बता दिया है। तो यहाँ पास कॉन्सेप्ट समझिए क्या है, है ना। अब इसमें क्या होता है, कॉन्वेक्स फेस होता है और कॉन्केव फेस होता है ना, उसको मैं बता देता हूँ आप लोग, बाकी आप लोग डिटेल में वहाँ देख लीजिए साइक्लिक कंपाउंड के लेक्चर में। सिक्स मेंबर और साथ में उसके क्या है, फाइव मेंबर रिंग प्रेजेंट है, है ना। और यही बस मैं क्या दे देता हूँ, कीटोन दे दूँ, है ना। यहाँ पास अगर कीटोन प्रेजेंट है तो देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3, है ना, थर्ड पोजीशन पे क्या है, कीटोन है, ये कीटोन दे दिया। अब हमें क्या बनाना है, सीस फ्यूजन, तो हाइड्रोजन कहाँ रहेगा, अप साइड में रहेगा, दोनों हाइड्रोजन, ये भी अप में रहेगा और ये हाइड्रोजन भी कहाँ रहेगा, अप में ही रहेगा, है ना, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन। अब इसमें आपको क्या करना है, फेसेस में कौन सा कॉनकेव फेस है, कौन सा कॉन्वेक्स फेस है। तो देखिए जो जो हाइड्रोजन के साइड में जो फेस रहेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स फेस बोलते हैं, और ये वाला साइड क्या है, ये कॉनकेव फेस है, है ना। कॉन्वेक्स फेस है ये क्या होता है, लेस इंडेंट होता है, ये क्या होता है, कॉनकेव फेस मोर इंडेंट, ठीक है। तो अब जब हम लोग कोई क्या लेंगे, हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे इथाम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो हमेशा कहाँ से अटैक करेगा, इस कंडीशन में अगर फ्यूज बाईसाइक्लिक हुआ तो, है ना, हाइड्राइड आयन अटैक ऑन कॉन्वेक्स फेस, कॉन्वेक्स फेस या फिर लेस हिंडर्ड फेस, है ना, लेस हिंडर्ड फेस से क्या करेगा, अटैक करेगा। ये तो सीस फ्यूजन के लिए हो गया, लेकिन अगर यही ट्रांसफ्यूजन रहा तो, यही बस क्या हुआ, ट्रांसफ्यूजन रहा,
है ना, लेकिन देखिए ये जो फाइव और सिक्स मेंबर जो है क्या होता है ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल। तो इसका क्या होता है, इसका ट्रांसफ्यूजन नहीं बनता, लेकिन सिक्स और सिक्स मेंबर का बन जाता है ट्रांसफ्यूजन, तो उसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ, है ना। ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया साइक्लिक कंपाउंड में, वहाँ से देख लीजिएगा आप लोग। है ना, ये एक हाइड्रोजन को डाउन कर दिया तो ये क्या हो गया, ट्रांस हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या कीजिए आप लोग, एक हाइड्रोजन को अप कीजिए और यहाँ क्या कीजिए, एक हाइड्रोजन को डाउन कीजिए, ठीक है। उसके बाद ये फिर ये फिर ये फिर ये, उसके बाद देखिए वन टू सेकेंड पोजिशन पर क्या है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पास क्या कीजिए, ऑक्सीजन को अटैच कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें भी सेम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अब देखिए है ना, तो ट्रांसफ्यूजन में देखिए अप साइड में भी क्या है हाइड्रोजन है, डाउन साइड में भी, दोनों साइड में क्या है हाइड्रोजन है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कहीं से भी क्या कर सकते हैं आप लोग, जो है हाइड्रोजन को, ये जो हाइड्राइड आयन है वो क्या कर सकता है, कहीं से भी आके अटैक करके क्या कर सकता है यहाँ पर, है ना, एल्कोहल क्या कर सकता है, वो जनरेट कर सकता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को भी मैंने आप लोगों को साइक्लिक कंपाउंड के लेक्चर में बता दिया है, लेकिन अब यहीं पास क्या हो, मिथाइल ग्रुप हो जाए, है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर क्या हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। तो आप लोगों को ये डिसाइड करना है दोनों में से कौन ज़्यादा हिंडर्ड है, है ना। तो मिथाइल ग्रुप क्या है, ज़्यादा हिंडर्ड है, मोर हिंडर्ड है, तो अब अबव साइड से नहीं करेगा टेक, अब क्या करेगा, ये डाउन साइड से अटैक करेगा, बिलो साइड से अटैक करेगा, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों को अगर डिटेल में देखना है तो साइक्लिक कंपाउंड का लेक्चर आप लोग स्टडी कर लीजिए, है ना। मैं इसीलिए मैं यहाँ पर सब लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, वहाँ पर स्टडी कर लिए। अब ब्रिज है ना, ब्रिज बाईसाइक्लिक सिस्टम, वो तो फ्यूज हो गया है ना। अब ब्रिज कौन सा होगा जिसमें क्या हो, तीन हाइड्रोजन अटैच हो, तीन का मतलब जो तीन कार्बन एटम जो है रिंग से क्या हो, अटैच हो, ठीक है। ये क्या हो गया, ब्रिज सिस्टम हो गया, है ना। अब ब्रिज सिस्टम के लिए क्या देखेंगे आप लोग, अब इसका 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा तो कैसा बनेगा 3D स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका 3D स्ट्रक्चर हो गया, है ना। सभी पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, ये मत सोचिएगा कि हाइड्रोजन नहीं है। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं, एक्सो एंडो देखते हैं ना, ये कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया है, ये एक्सो होगा, ये एंडो होगा, ये क्या होगा, एक्सो होगा, ये क्या होगा, एंडो होगा, है ना। तो इसको भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, नोट। देखिए अगर यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हमें क्या करेंगे, यहाँ इस कंडीशन में क्या करेंगे, ऑलवेज प्रीफर एक्सोटिक, क्योंकि एक्सो पोजीशन में क्या होता है, लेस हिंडर्ड होता है। अब लेस हिंडर्ड है तो यहाँ पास रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर यही इसी पोजीशन पे क्या आ जाए, मिथाइल ग्रुप आ जाए, देखिए है ना, यहाँ पास क्या आ जाए, CH3 ग्रुप लग जाए, है ना। तीस कंडीशन में क्या होगा, एंडो, कोई भी न्यूक्लियोफाइल या फिर हाइड्राइड डोनर रिएजेंट आएगा, रिफर अटैक, एंडो अटैक, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल फ्री पर एंडो अटैक। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना। और डिटेल में देखना है तो साइक्लिक कंपाउंड के लेक्चर आप लोग देख लीजिए, है ना। अब ये तो हो गया साइक्लिक कीटोन का, है ना, ये क्या हो गया, साइक्लिक कीटोन का हो गया। अब हम लोग देखते हैं ए साइक्लिक कीटोन का, है ना, सेकेंड में आ जाते हैं
एसाइक्लिक कीटोन विथ अल्फा कायरल सेंटर। ठीक है, एसाइक्लिक कीटोन विथ अल्फा कायरल सेंटर। अब एसाइक्लिक कीटोन में क्या क्या कंडीशन होता है उसको पहले समझते हैं। हाइड्रोजन हो गया, CH3 हो गया, यहाँ पास इथाइल ग्रुप हो गया, है ना। ये क्या हो गया, कायरल सेंटर हो गया। ये स्मॉल ग्रुप है, आप लोगों को स्मॉल ग्रुप, लार्ज ग्रुप और मीडियम ग्रुप ये आप लोगों को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। लार्ज ग्रुप हो गया और ये मीडियम हो गया, है ना। उसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा स्मॉल ग्रुप है और कौन सा लार्ज ग्रुप है। सिर्फ आप लोग कुछ देखिए, आप लोग देखिए उसके साथ कितने सारे जो है ग्रुप अटैच है। इस कार्बन के साथ देखिए क्या है, 3 हाइड्रोजन अटैच है। लेकिन इस कार्बन के साथ देखिए, ये इथाइल ग्रुप है तो यहाँ पर कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा और CH3 ग्रुप होगा। तो इस कार्बन के साथ देखिए 2 हाइड्रोजन और एक CH3 ग्रुप होगा, है ना। तो ये मीडियम ग्रुप नहीं होगा, सॉरी है ना, मेरे से मिस्टेक हो गया। ये क्या होगा, लार्ज ग्रुप होगा और ये जो है ये मीडियम ग्रुप होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इजीली जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। अब ये कायरल सेंटर हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो न्यूक्लियोफाइल हम लोग ले रहे हैं या फिर हाइड्राइड डोनर रिएजेंट ले रहे हैं, है ना, तो कहाँ से अटैक करेगा और कैसे अटैक करेगा और कौन सा हमें स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो है रूल को समझेंगे, जितने भी रूल है ना। सबसे पहले क्या हो गया, क्रैम्स रूल है ना, उसके बाद फेल्किन एन मॉडल है, उसके बाद क्रैम चिलेट रूल है ना, और या फिर डाईपोलर मेथड है ना। तो देखिए, इसका स्टीरियो सेलेक्टिविटी हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, है ना, आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करना है ना, है ना। तो स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन में क्या होता है उसको देख पहले समझते हैं। हाउ कैन वी ऑब्टेन द स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, मतलब कैसे पहचानेंगे कि स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है, है ना। तो सबसे पहले देखिए, मैंने क्या लिया, कोई रिएक्टेंट लिया, है ना, ये क्या है, रिएक्टेंट, और उससे हमें क्या मिल रहा है, 2 प्रोडक्ट मिल रहा है, प्रोडक्ट 1 प्लस प्रोडक्ट 2। ठीक है, 2 प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। हम लोगों ने यहाँ कोई भी रिएक्टेंट ले लिया, रिएक्टेंट में क्या रहेगा, एसाइक्लिक कीटोन रहेगा ना। अब जब देखिए, ये जो दोनों फर्स्ट और सेकेंड, ये जो 2 प्रोडक्ट मिल रही है, आपस में क्या होना चाहिए, स्टीरियो आइसोमर होना चाहिए। अब स्टीरियो आइसोमर क्या होता है, ये भी मैं आप लोगों को साइक्लिक कंपाउंड में बता दिया है, मस्ट बी स्टीरियो आइसोमर। अब स्टीरियो आइसोमर होगा, है ना, इधर मैं ऊपर बता दूँ, ठीक है, बोथ आर मस्ट बी स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर होगा। अब स्टीरियो आइसोमर है तो 2 पॉसिबिलिटी होगा, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट या तो ये क्या हो, या क्या हो, ये स्टीरियो आइसोमर में क्या क्या होता है, या तो ये क्या हो, इनेंसियोमर हो, दोनों क्या हो, इनेंसियोमर हो, या फिर क्या हो, दोनों क्या हो, आपस में डाइस्टीरियोमर हो, है ना। अब ये दोनों आपस में, अगर ये जो 2 प्रोडक्ट मिले हमें, ये दोनों आपस में अगर इनेंसियोमर होगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इनेंसियो सेलेक्टिव रिएक्शन बोलेंगे।
रिएक्टिव रिएक्शन है ना। लेकिन यही पास अगर ये दोनों आपस में क्या हुए, डायस्टीरियोमर है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डायस्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। ठीक है, तो आप लोग रिएक्शन पहचान लोगे ना कि कौन सा रिएक्शन है। अगर आपसे अगर हमें दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं और आपसे कोई पूछे कि ये इनिशियो सेलेक्टिव रिएक्शन है कि डायस्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, दोनों में आइडेंटिफाई करना है दोनों स्टीरियो आइसोमर है कि नहीं है। अगर स्टीरियो आइसोमर है फिर उसके बाद उसमें देखना है कि दोनों आपस में इनिशियोमर है या फिर डायस्टीरियोमर है। अगर इनिशियोमर है तो वो रिएक्शन क्या होगा, इनिशियो सेलेक्टिव रिएक्शन होगा। अगर डायस्टीरियोमर है तो रिएक्शन क्या होगा, डायस्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन होगा। इसे भी मैंने आप लोगों को साइक्लिक कंपाउंड में बता दिया है अच्छे से। ठीक है, तो ये तो आप लोग अब आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन सा रिएक्शन है, स्टीरियो सेलेक्टिव है या फिर डायस्टीरियो सेलेक्टिव है। अब बात करते हैं हम लोग मॉडल की कि कौन कौन से जो है मॉडल है ना। तो हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे फोर तरह के मॉडल जो है स्टडी करेंगे। फर्स्ट होगा क्रैम रूल। ठीक है, क्रैम रूल हो गया। सेकंड में हम लोग स्टडी करेंगे फेल्किन एन मॉडल, ये स्टडी करेंगे। उसके बाद थर्ड में इसी फेल्किन एन मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब दोनों में प्रोडक्ट क्या है, सेम ही बनता है, बस जो है इसमें क्या होता है, स्टीरियो केमिस्ट्री का खेल होता है ना। इसमें क्या करना पड़ता है, फेल्किन एन मॉडल में हमें जो है लार्ज ग्रुप है और सीओ को क्या करना पड़ता है, हमें एक दूसरे के ऑर्थोगोनल रखना, मतलब परपेंडिकुलर नहीं रखना पड़ता है ना। एक दूसरे के हमें क्या रखना पड़ता है, उसे ऑर्थोगोनल रखना पड़ता है। ठीक है, और क्रैम रूल में क्या करते हैं हम लोग, लार्ज ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप को एक दूसरे के क्या करते हैं, एंटी रखते हैं। सबको डिटेल में आगे स्टडी करेंगे है ना, अभी आप लोग ज़्यादा उतना टेंशन मत लीजिए। उसके बाद थर्ड पढ़ेंगे हम लोग क्रैम चिलेट मॉडल। ठीक है, फिर फोर्थ में हम लोग पढ़ेंगे डाइपोलर मेथड। ठीक है, ये चार तरह के कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग क्या करेंगे डिटेल में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल में क्या करेंगे, उसको स्टडी करेंगे है ना। तो फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में ये क्रैम रूल हो गया, फेल्किन एन मॉडल हो गया है ना, क्रैम चिलेट मॉडल हो गया, फिर डाइपोलर मेथड हो गया। ये सभी क्या है, कैसे वर्क करते हैं, कैसे इसको अप्लाई करेंगे है ना, ये सभी कॉन्सेप्ट हम लोग डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, कीप एडुकेटिंग योर सेल्फ।